हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे आम का चटनी, जो पार्टियों में शादियों में सब बनाते हैं वो वाले बनाएंगे। यह आधा किलो आम, इसको अच्छी से वॉश कर लिया है। अभी इसको काट कूट के बनाएंगे। काटने के लिए चाहिए एक चबोट, इसको आम को छील के छोटा छोटा करके काट लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको छील लिया है, छोटा छोटा करके काट लेंगे। काट लेती हूँ, आम को छोटा छोटा करके काट लिया है। हम पानी से धो लेती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब चूल्हों के पास चलते हैं, बनाएंगे। हम चूल्हों के पास आ गया है, इसमें पैन बिठा देती हूँ, कढ़ाई चूल्हों भी जला देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी भी डाल देती हूँ, दो तीन कप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस इतना सा ही पानी, एक मेजरमेंट कप में एक कप चीनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मुट्ठी काजू, एक मुट्ठी किशमिश, ये भी डाल देती हूँ। हाफ चम्मच सौंफ, ये भी डाल देती हूँ। एक चम्मच नमक, ये भी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। डाल के थोड़ा हिला देती हूँ। इसमें कटा हुआ आम, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब डाल दिया है, डाल के थोड़ा हिला देती हूँ। ओके, 10 मिनट पकने देंगे। इसको ढक्कन बंद कर देती हूँ। 1 मिनट खुल के हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर देंगे, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी मिर्च पाउडर। देख, अच्छी से हिला देती हूँ। इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। 10 मिनट हो गया है, खुल के देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गल भी गया है, अच्छा भी हुआ है। चीनी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आम ज़्यादा खाटा हो तो ज़्यादा चीनी लगेगा, अगर थोड़ा खाटा कम खाटा हो तो कम चीनी देना। और 5 मिनट ढक्कन देंगे धीमी आंच में। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन खुल के देखती हूँ। और सल्ला बन गया है। अच्छी से हिला के मिला देती हूँ। चटनी हमारे बन गया है। चूल्हा बंद कर देती हूँ।
चूल्हे बंद कर दिया है। चटनी हमारा बन गया है, हम एक प्याली में उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी हमारे बन गया, हम प्याली में उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा चटनी बना है, बिल्कुल पार्टियों में जैसे बनते हैं शादियों में। ये लीजिए फाइनल लुक हमारे चटनी, आपको कैसे लगा? आम का चटनी पुरुष शादियों जैसे बनाते हैं, ऐसे ही बने हैं। इसको बना के 8-10 दिन खाया जाएगा। अब भी घर पे बनाइए, आम का सीजन है। मेरा चटनी आपको कैसे लगा, मेरा रेसिपी, जो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।